जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति शिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 14 अगस्त सावन की आखिरी शिवरात्रि यानी कि अधिक मास की शुक्ल पक्ष की शिवरात्रि, जिसे हम त्यौहार की तरह मनाएंगे, दीपावली भी मनाएंगे और शिवरात्रि का जो त्यौहार है उस दिन रुद्र अभिषेक कर विशेष प्रकार की शक्तियाँ भी प्राप्त करेंगे। उस दिन हमें पूजा करने से कर्ज मुक्ति, लोन, धन प्राप्ति तथा अन्य कई मनवांछित वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो कि कल्पना से भी परे होती हैं। तो उस दिन हमें 2-3 काम हैं जो एक ही वीडियो में मैं आपको 3 चीज बता रही हूँ, वो आप जरूर कर लीजिएगा। 14 अगस्त सावन की शिवरात्रि के दिन यूँ तो महाराज जी ऑनलाइन हो सकता है कि रुद्राभिषेक करवाएं, जैसे कि पिछले बार करवाएं। जो लोग पिछली बार की रुद्राभिषेक में सम्मिलित नहीं हुए वो लोग इस बार सम्मिलित हो सकते हैं 14 अगस्त को, लेकिन जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं वो अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सभी मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति कर सकते हैं। जो लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि विधान से नहीं कर सकते हैं, पुजारियों के द्वारा नहीं करवा सकते हैं, वो क्या करें? बहुत ही छोटी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल 100% है कि उतना ही फल प्राप्त होने वाला है। महाराज जी बार बार बताए हैं कि जो इस अधिक मास में शिवलिंग की पूजा करता है इस तरीके से बनाकर, वो निश्चित ही रूप से 2 महीने के अंदर उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। तो करना क्या है, किसी भी अपने घर के गमले में शिवलिंग की आकृति से एक हमें शिवलिंग बनानी, किसी भी गमले, मतलब केवल एक तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए, बाकी आप किसी भी गमले की मिट्टी को उसी मिट्टी में आप शिवलिंग बनाएं और बनाकर दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान कराएं, एक बेलपत्र, चावल, धूप, दीप लगाएं, कुछ प्रसाद स्वरूप मिश्री, फल, फ्रूट, यानी जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, भोलेनाथ को समर्पण करें। धूप दीप दिखाने के बाद, समर्पण करने के बाद आप उस शिवलिंग को वहीं पर थोड़ी देर रहने दें, मतलब कि 10-20 मिनट, जब तक आप इधर उधर कुछ काम अपना कर लें, मगर नाश्ता आप नहीं करें, मतलब जैसे आप बरती रहें तब तक आप करें। उसके बाद 20 मिनट के बाद आप उस पर एक लोटा जल चढ़ा दें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के। तो उस पर आप जैसे जल गिराएंगे तो जो शिवलिंग का आपने निर्माण किया है वह शिवलिंग वहीं गमले में विसर्जन हो जाएगा। तो इस उपाय को करने से निश्चित रूप से 2 महीने के भीतर आपकी कार्य पूरे होने के आसार हो जाते हैं और बहुतों के हुए भी हैं। मैं भी आपको नेक्स्ट 14 तारीख के बाद में बताऊंगी कि मेरे कौन से कार्य हैं जो कि शिवलिंग का स्थापित करने से, पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति हुई है। उपाय नंबर 2, बिल्कुल कीजिएगा, ये भी बहुत छोटा सा चीज़ मैंने बताया, सभी के घर में गमले होते हैं और कहीं मंदिर उंदिर कोई जाए ना जाए, अपने घर में छोटे छोटे जो घर में बच्चे भी हैं उन सब से भी आप ये पूजा करवाइए, जरूर करवाइए। दूसरा उपाय ये है कि शिवरात्रि के दिन हमें भगवान के मंदिर में 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं, अपने घर के अंदर भी 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं और 5 दीपक ऐसे जलाने हैं मंदिर में, एक दीपक हमें भगवान के मंदिर के सीढ़ियों पर जलानी है अथवा शिवालय में जलाइए आप। दूसरी आंवला, तीसरा केले का वृक्ष, तीसरा बेलपत्र, पीपल और गंगा जी, इन सभी जगहों पर आपको एक एक दीपक जलानी है। तो ये तो आपको 5ों चीज़ इकट्ठे पॉसिबल नहीं है कि आपको मिले, छोटा मंदिर हो, बड़ा मंदिर हो, बहुत जगह पे ये 5ों चीज़ अवेलेबल नहीं है, गंगा जी तो मिल ही नहीं सकती हैं और 5ों ये पौधे, प्लांट्स, पेड़ भी नहीं मिलेंगे। तो आप इन सभी का नाम रखकर शिवालय में ही आप 5 दीप प्रज्वलित कर दें।
दूसरी बात कि मंदिर में जब 5 दीप जला दें तो आप घर पर 5 दीप अपने घर के अंदर मंदिर में घी के दीपक जलाकर भगवान के मंदिर में अपने एक छोड़ दें, नारायण के सामने, शिव के सामने, जो भी हमारे घर में अपने भगवान लगा रखे हैं उनमें। तथा 5 वो दीपक अथवा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं। इस तरीके से हमें 14 अगस्त के दिन 10 दीपक जरूर जलानी है। 5 दीपक 5 स्थलों के नाम पर शिव मंदिर में जला दीजिए, सभी स्थलों का नाम लेकर, और 5 दीपक अपने घर में प्रज्वलित कर भगवान के सामने प्रज्वलित कर अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए। तो ये तीसरा, और ये तीनों ही कार्य बहुत ही आसान है। अगर आप उस दिन मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर के मंदिर में भी 5 दीपक जलाकर इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना ना भूलें। तो इस कार्य को भी करेंगे तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी विशेष कृपा आप पर करेंगी। चौथा उपाय ये है कि अधिक मास की जो पूर्णावती का दान होता है हमें, वो 14 के दिन यानी 13 के दिन ही करना होता है। 13 को कीजिए या 14 को कीजिए, तो 14 तारीख को ही अंतिम दिन है अधिक मास की, तो आप 33 पुए का दान आप 14 अगस्त को जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए कि 33 मालपुए के साथ आप एक वैजयंती माला का भी दान करें, जिससे कि आपको प्रचुर मात्रा में लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त हो। उस दिन आपको नारायण को भी, अपने रखे भगवान लड्डू गोपाल को भी 5 दाने निकाल कर वैजयंती की माला बनाकर छोटी सी उनको आप जरूर पहनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो 14 अगस्त शिवरात्रि पर आपने जाना 4 चीज, वो कौन कौन से हैं मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। उस दिन आपको स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है। दूसरा, 5 दीपक मंदिर में जलानी है। तीसरा, 5 दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर घर के मुख्य द्वार पर लगानी है। और चौथा, 33 मालपुए का उस दिन दान करना है वैजयंती माला के साथ। इस कार्य को कीजिए और अपना अनुभव भी शेयर कीजिए। विषय अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अधिक मास में जो शिवरात्रि आए, प्रयास करना, अगर छोटी सी भी गुमठी लेकर बैठे हो, ठेला लगा रहे हो, व्यापार नहीं चल रहा, धन की कमी हो, पैसा नहीं हो, बहुत हताश हो गए हो, टेंशन में जिंदगी जी रहे हो, तो 5 दिए अधिक मास की शिवरात्रि पर जरूर लगाना। पहला, शंकर मंदिर के द्वार पर, मतलब शिव मंदिर के बाहर। दूसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। चौथा, नदी का घाट या कुएं का घाट या तालाब का घाट या सरोवर का घाट। या पांचवा, अपने दरवाजे की चौखट पर राइट हैंड में दिया अवश्य लगाएं। ये जिंदगी में कितना भी धक्का खा रहे होगे, भगवान हाथ पकड़कर शुभ तत्व को जाने।